अकाल। मैं श्वेता स्वागत करती हूँ आप सबका इस कॉमेडी शो में जिसका नाम है हना जैज प्रेजेंट्स देख इंडिया देख कॉमेडी का नया जश्न। और हमेशा की तरह जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हंसी की सल्तनत की महारानी अर्चना पूरन सिंह और उसी सल्तनत के पड़ोसी राज्य के महाराज शेखर सुमन। अब बात करते हैं शो के ट्विस्ट की जो हर बार हमारे शो में होता ही है। इस बार का ट्विस्ट है फ्री स्टाइल, यानी कि आज हमारी जोड़ी को हमने दी है खुली छूट जिसकी वजह से हमें मिलेगा हर एक्ट में कॉमेडी का नया तड़का। शेख लोगों के पास बहुत पैसा होता है लेकिन फारूक शेख के पास तो नहीं है, ये सुनकर वो बोला मैं फारूक हूँ शाहरुख नहीं। ऐसे ही एक दुबई के शेख जब आ पहुंचे हिंदुस्तान घूमने तो किस तरह एक गाइड ने उन्हें हिंदुस्तान घुमाया आइए देखते हैं। सुदेश एज गाइड एंड कृष्णा एज शेख। ओ दिल्ली का कुत्ता मेरा यार देखो, बॉम्बे का भिंडी बाजार देखो, आज देख इंडिया देख देख इंडिया देख देख इंडिया देख। सर जी आप क्या सोच रहे हो कि मैं शो की प्रमोशन कर रहा हूँ? यहाँ परफॉर्मेंस के पैसे नहीं मिलते, प्रमोशन के कौन देगा? दरअसल आजकल ना मैं गाइड बन गया हूँ, गाइड लोगों को इंडिया घुमाता हूँ मैं, पर अभी तक फ्लाइट ही कोई नहीं आई। सर जी आप कृष्णा ही है ना? नहीं हम अभी शेख है। अच्छा अच्छा ये है। हाँ। ओके ओके। ओ सर जी ओ आप तो जहाज पे आने वाले थे, ये ऊंट पे कैसे आ गए? तुम सचमुच अनपढ़े, तुमको मालूम नहीं है कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज ही कहते। ओ अच्छा अच्छा I'm sorry। आइए हजूरे वाला आइए। हम हजूरे वाला नहीं है, हम खजूरे वाला है। थोड़ा ही टाइम में तुमको बहुत मीठा मीठा खजूर भी खिलाएगा। किधर से आए तुम? ओ सर जी हमने किधर से आना, हम तो लोकल है, एसटीडी तो आप पे लगी है। आप बताओ आप कहाँ से आए हो? ओ सर जी क्या उतरा? हम दो भाई से आए। आप दो भाई से आए, हम तो एक भाई से ही आ गए थे सर। हैरान हूँ कि दो दो भाई मिलके क्या क्या बना रहे हैं यार। बार बकवास बंद करो, दो भाई मतलब हम अरब से हैं। ओए आप अरब से हैं तो हम डेढ़ अरब से हैं। हमारे शेखर जी की जवानी सलामत रहे, थोड़े दिन रुक जाओ हम दो अरब से हो जाएंगे। हम इधर तुम्हारा बच्चा गिनने को नहीं आए, हम इंडिया घूमने को आए। ये लो रस्सी पकड़। चलो आज घुमा देते, इसमें क्या है? ऊंट मेरा बच्चा। तुम्हें गेटवे ऑफ इंडिया पता है? ले गेटवे ऑफ इंडिया पता है, वो तो बच्चे बच्चे को पता है, किसी बच्चे से पूछ लेंगे। मतलब तुम नहीं जानते? वो यार मुझे क्या पता, मैं तो गाइड हूँ। मुझे तो सिर्फ अपने फील्ड के बारे में पता है। सर जी आप दुबई से आए हो, मैंने सुना है उधर आपकी जो बीवियां हैं कई होती हैं, एक एक आदमी की कई कई बीवियां, आपकी कितनी है? हमारा 6 बीवी है। संडे ऑफ रखते हो? संडे को हमारा साला आते है। अच्छा है? यार कैसे बंदे हो यार तुम, हैं? शक्ल से तो बड़े शरीफ नजर आते हो लेकिन अंदर से बहुत ही कमीने किस्म के वो बंदे, मैं हैरान। ओ वल्ला वल्ला मोस्का पोसे तीसमा ओ दी दी ओ दी दी ओ दी 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 तेरे मालक का पास रे पास ले। ओ थैंक यू सर, आपने मेरा मनोरंजन कर दिया। मनोरंजन नहीं, हम तुमको अरबी में गाली दिया है। ओ शुक्र करो मुझे अरबी आती नहीं, अंग्रेजी में दी होती तो पता चल जाता। What do you think of yourself, disgusting bloody fool? पंजाबी में दो फिर बताऊं। फिटे मुंह तेरा, वड़ पंडित। अर्चना जी पंजाबी कहां से कहां पहुंच गई, आप अभी तक यहीं बैठे हो? यार बेइज्जती करा रही मेरी। तुम हमारा बात समझने का कोशिश ही नहीं कर रहे, हमारा बात समझने की कोशिश तो करो यार। अरे मजा आ गया, एकता बना के रखो। अरे कोई काम तो दो यार। हेलो। अरे यार ताकि ओ ताकि ओ ताकि मैं तुझे समझा रहा हूँ यार। हेलो मेरी बात समझो यार। यार तू व्हाट इज दिस यार, मेरी बात वेरी बैड यार। ओ यार तुम कैरेक्टर से बाहर आ रहे हो। अरे जब मैं देश से बाहर आ सकता हूँ तो कैरेक्टर क्या चीज है यार? एक काम करो तुम, फिर रस्सी पकड़ो, हमको इंडिया का सबसे खूबसूरत चीज देखो।
50 रुपए हैं आपके पास? क्यों? मैं अभी शेव करा के आता हूँ। अरे वो वाला खूबसूरत नहीं है, तुम एक काम करो, तुम हमको वंडर दिखाओ, वंडर। अच्छा वंडर, ये वीआईपी को देख लो। अबे हम बंदर नहीं बोला, वंडर बोला, वंडर, वंडर दिखाओ हमको। और सर जी देखो, आप जो मुझे बार बार मार रहे हो ना, लगता है आपको कम्प्लेक्स हो गया, आपको थोड़ी थकावट हो गई है, आपकी थकावट दूर करवा दे, मसाज वगैरह के शौकीन हो, 200 रुपया लगना, मजा आ जाएगा। हमको डर बहुत लगते। वो यार मसाज करानी है, डर कैसा? अरे बहुत रिस्की काम है। वो क्यों? वैसे मन बहुत कर रहे, जाना किधर है? वो जाना किधर, तेल मेरे पास है, मैं अभी कर देता हूँ। आप लोग क्या समझते हो, तेल सिर्फ आपके पास ही है? कैसा फील हो रहा है? कैसा फील हो रहा है ये ऊंट को पूछो। तेरा दिमाग खराब है, ऊंट की लात मेरे हाथ में पकड़ा दी। अरे बकवास बंद करो। अरे कब से हम तुमको बोल रहे हैं इंडिया देखने का, इंडिया देखने का, बकवास पे बकवास करते जा रही। क्या चीज देखना चाहते हो, पुरानी चीज देखना चाहते हो? हाँ पुराना चीज देखो। अर्चना जी, अर्चना जी आपके पास एक ही अंकल का नंबर होगा, वो सबसे पुरानी चीज है, भगवान से सिर्फ 2 दिन छोटे हैं वो। अबे तुम हमको फिर बचका रहे, हमको फिर बचका रहे। अरे बोला इंडिया देखने का, इंडिया दिखाओ यार। इंडिया देखना चाहते हो? तो फिर शनिवार तक यहाँ रुको, हमारा प्रोग्राम आता है देख इंडिया देख, और इस वक्त आपको भी इंडिया देख रहा है। क्या बात कर रहे है? ओ दीदी वाह, ओ दीदी, ओ दीदी, ओ दीदी, ओ दीदी, ओ दीदी, ओ होय, ओ होय, ओ मुझे ले जाओ रूम पे। कोई कमेंट वमेंट नहीं है यार, बस जाओ। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जब तुम आए और ऊंट पे, यार एक बार फिर से आके दिखाओ यार, प्लीज। बहुत मतलब आई कैन कीप आस्किंग फॉर एन एनकोर। ओह फैंटास्टिक, तुम जब चल के आए और उतरे तुम्हें 10 नंबर वहीं मिल गए। एंड इवन लहरी यू वर फैंटास्टिक। जी तो यही कर रहा है कि बार बार खड़े होकर तुम लोगों को स्टैंडिंग ओवेशन दूं, क्योंकि ऐसे एक्ट बहुत कम होते हैं, ऐसे कम लिखे जाते हैं, इस तरह से कम परफॉर्म किए जाते हैं, तो इसके बारे में मैं जितना भी बोलूंगा उतना कम है। ऑल आई कैन डू इज क्लैप अगेन फॉर बोथ। थैंक यू, इट वाज फैंटास्टिक, इट वाज ब्रिलियंट। कृष्णा, सुपर्ब परफॉर्मेंस, सुपर्ब टैलेंट यू हैव। I think you are one of the finest talents we have today. Aapki physical presence, your ability to adapt to new characters. Aur ye ability bahut kam logon ko naseeb hoti hai aur aap mein ye hai. And Sudesh, aapki saadgi mein bahut badmashi chupi hai. Both of you, 100/100. Fantastic. Thank you sir, thank you. Thank you guys. Thank you. शेखर, मैं एक फिल्म डायरेक्ट करने वाली हूँ। फैंटास्टिक। उसमें मैं आपको ब्रेक देने वाली हूँ। ओह। एज अ प्रोड्यूसर। फैंटास्टिक। ऐसे ही फिल्म गाइड आनंद को मिलाकर एक फिल्म बनाने जा रहे हैं फिरोज खान। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अलियास फिरोज खान और वीआईपीएस काका एंड देवानंद। Hi, Squirrel. I like your zero figure, huh? Maintain this. Yeah? Wow. What a location. Kaun kehta hai ki achhi aur original script ki kami hai? Main ek original film Anand. और एक ओरिजिनल फिल्म गाइड को मिलाकर एक ओरिजिनल फिल्म बनाना चाहता हूं। सिर्फ एक बार काका देव कन्विंस हो जाए, आई मीन ओरिजिनल काका इन ओरिजिनल देव। हाँ इंडस्ट्री कैसी है थकेली आए, कभी ये भगाए।
आइए सर। कभी ये बुलाए। वेलकम सर। एनीवेज ये बताइए, यहाँ आने में आपको तकलीफ तो नहीं हुई? आने में नहीं, यहाँ से जाने में बड़ी तकलीफ हुई थी रे। आई कैन अंडरस्टैंड दैट सर। क्या करें, ये कमबख्त इंडस्ट्री है ही ऐसी। मुझ जैसे टैलेंटेड एक्टर को भूल गए तो आप भूल जाइए इस बात को। कैसे भूल जाओ उन दिनों को, हाँ, जब सबके मुंह पर एक ही बात थी, ऊपर आका नीचे काका बाकी सबकी माँ का आशीर्वाद रे। मेरे पास एक बहुत बढ़िया प्लॉट है। ए डायरेक्टर, प्लॉट तो मेरे पास भी है, खारदांडा में, खरीदेगा क्या? मैं तुम्हारे आनंद को गाइड के साथ मिलाकर एक बढ़िया फिल्म बनाना चाहता हूँ। मैंने सारा वर्कआउट कर लिया है। वर्कआउट? कौन सी जिम में जाता है रे? ज़्यादे, अगर मुझे इसकी जरूरत नहीं होती तो इसी वक्त मैं इसका टेटवा दबा लेता। क्या? मेरा मतलब है, टाइटल तो सुनो सर। फिल्म का टाइटल है गाइड करेगा आनंद। अरे 80 साल से तो आनंद कर रहा है वो, और कितना आनंद करेगा वो। कहानी आपके आनंद से शुरू होगी, फिर उसे गाइड पकड़ लेगा। डायरेक्टर, ऑडियंस पकड़ लेगी तेरे को। बाखुदा सर, मेरे पास और कोई चारा नहीं है सर। ठीक है, काम तो मिलेगा ना। योर ऑन सर। थैंक यू सर। मरहबा। टेक केयर, आई विल सेंड योर साइनिंग। हाँ, चला जाता हूँ। तू आलम भी गजब होगा या ये नहीं। काका तो साइन हो गए, बस एक बार देव साइन हो जाए, फिर उसके बाद देखना, मैं पूरी इंडस्ट्री को आग लगा दूंगा। एक्सक्यूज मी, कौन आग लगाने की बात कर रहा है? मैं भी आग लगाने के लिए आया था। मॉनसून चल रहा था, आग तो लगा नहीं सका, मेरी लग गई। सॉरी फॉर माई लैंग्वेज। सर, आपने आनंद तो देखी है और गाइड भी, इन दोनों फिल्मों को आप किस नजरिए से देखते हो? गाइड एक क्लासिक फिल्म है, आनंद एक सिख फिल्म है। हीरो कोई बीमार नहीं होता, मुझे आज तक किसी फिल्म में जुखाम तक नहीं हुआ। एक फिल्म तो मैंने खांसी के लिए छोड़ दी थी, खांसी के लिए। क्यों सर? जब ऑडियंस को बीमारी देखना है तो अस्पताल जाएगी, हॉल में क्यों आएगी? सही कहा आपने, हीरो भले ही 80 साल का हो लेकिन 18 साल का नौजवान लगना चाहिए। हाँ करेक्ट। जिस दिन मैं 19 का देखूंगा, आई विल क्विट। सर, मैं आपके गाइड को काका के आनंद के साथ जोड़कर एक हिट फिल्म बनाना चाहता हूँ। ये बताओ कि फिल्म में हीरोइन कौन होगी? मेरा बुजुर्ग पहले कहानी डिस्कस करे। एक्सक्यूज मी, मैं खुद एक डायरेक्टर हूँ, मुझे पता है कि सिनेमा में कहानी का कोई लेना देना नहीं होता। माना सर के लेना देना तो सिर्फ हीरोइन का होता है। करेक्ट, बिल्कुल सही कहा। टाइटल क्या होगा? टाइटल गाइड करेगा आनंद। उसका सिक्वेल भी सोच लो। वो मैंने ऑलरेडी सोच लिया है सर। मैं आपके ज्वेल थीफ में शेखर के उत्सव को घुसेड़ दूंगा। हाउस दैट शेखर, हाउस दैट। अर्चना, तुम दोनों ने अपनी शेयर परफॉर्मेंस की ब्रिलियंस से इस एक्ट को बहुत ऊंचा उठाया। अली, द मोमेंट यू केम ऑन स्टेज, यू सेट इट ऑन फायर, एंड वीआईपी यू टू एज काका एंड मोर सो एज देव साहब वर बैंग ऑन अगेन। सो आई थिंक इट वॉज कम्प्लीटली ओवर द टॉप, एंड दैट्स द वे आई लव्ड इट। इट वॉज वेरी नाइस, इट वॉज कम्प्लीटली जिसको कहते हैं हत्थे सुखड़ के, ओवर द टॉप था, पर उसी में मजा आ रहा था, बिकॉज दैट्स द वे टू प्ले इट, एंड दैट्स वाई इट हैज बिकम वन ऑफ द मोर memorable acts, I think. Thank you. For me, it's a 9. Thank you, guys. एक रिश्ता लेकर आ रही है विदेश की एक गोरी, एक गांव में अपनी शादी के लिए लड़का ढूंढने। प्लीज वेलकम स्वप्निल एस देसी बाबू और बाहर देश की लड़की तुलिका।
धोती कैसे पहनते हैं? अरे आगे से डाला तो पीछे से खुलता है, पीछे से डाला तो आगे से निकलता है। अरे नहीं, मैं इधर आया हूँ यार होटल ड्रीम पार्क में, कोई इंग्लिश मेम है यार, यार शी वांट्स अ देसी गाय, सो यू नो वो लंदन लेके जाएगी। अपने को क्या है, अपने को तो लंदन से मतलब है। ये लगता आगे आ गई, आई विल कॉल यू बैक, आई विल कॉल यू बैक, बाय बाय बाय। ओहो 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 जब जीरो दिया मेरे भारत ने, तब दुनिया को गिनती आई, तब दुनिया को गिनती आई। एक दो तीन आजा मौसम है रंगीन, आजा एक दो तीन आजा मौसम है रंगीन। हेलो ड्यूड, 32 रुपए लीटर। क्या आपने दूध का भाव पूछा, मैंने बता दिया। जब से यहाँ पे पता चला है कि मैं इंडियन कल्चर वाले लड़के से शादी करना चाहती हूँ, ओह माय गॉड, सारे लड़के धोती पहन पहन के आ जाता है सिर्फ बाहर से दिखाने के लिए इंडियन। मैं तो अंदर से भी हिंदुस्तानी हूँ, आप चेक कर सकती हैं। वैसे तुम आए कहाँ से हो? मैं उस गांव से आया हूँ जहाँ आज भी मल्टीप्लेक्सेस में मल्टीप्लेक्स गोबर की सौंधी सौंधी खुशबू आती है। जहाँ आज भी औरतें स्विमिंग पूल में स्विमिंग पूल पूरी की पूरी साड़ी पहन के नहाती है। लगता है मेरा इंडिया जाना वेस्ट नहीं होगा। लगता है मेरा इंडियन बनना भी वेस्ट नहीं होगा। क्या? मेरा मतलब है मैं जहाँ भी जाता हूँ इंडियन बन के ही रहता हूँ, लंदन में भी आऊंगा इंडियन बन के ही रहूंगा। रोज शाम को 7 बजे आपके दादाजी को जगजीत सिंह के भजन सुनाऊंगा। लेकिन जगजीत सिंह का ही क्यों? ताकि वो बोर होके 8 बजे तक सो जाए और फिर खाना खा के 9 बजे हम लोग सो जाएं। Naughty boy, शादी से पहले इंडियन कल्चर में सोने की बात आई, not allowed. धोती पहन के सो जाएंगे, ऐसे रजिया भी लुट जाएगी और कल्चर भी बरकरार रहेगा। फिर भी सोने की बात है, शादी से पहले no, no, not allowed. अरे वो तो हिंदुस्तानी लड़की से not allowed, इधर चलता है। क्या? I mean, हम आपके साथ लंदन चलता है, आप हमसे शादी करेंगी, आप मुझे लंदन ले जाएंगी। अगर मैं शादी करेगी तो तुम से ही करेगी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। अब विश्वास हो रहा है मैडम, अगर आप ऐसे ही मुझसे लिपटी रही तो 9 महीने बाद हमारा विश्वास हिंदुस्तान की गलियों में घूमता नजर आएगा। How sweet. पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। कौन बोला, कौन बोला, कौन बोला? कोई नहीं बोला, तुम्हारे मन की आवाज थी। आपने सुनी? हाँ। अगर आप मेरे मन की आवाज सुन सकती है तो फिर आप मेरे तन की आवाज भी सुनती होंगी। क्या? जो चीख चीख के आपसे ये कह रही है कि मुझे लंदन ले जाओ, मुझे लंदन ले जाओ, आप मुझे लंदन ले जाएंगी ना? हाँ लंदन ले जाएगी मैं, लेकिन पहले तुम ये बताओ कि तुम मेरे लिए क्या कर सकता है। आपके लिए का तो पता नहीं, मैं आपके साथ बहुत कुछ कर सकता हूँ। मेरा मतलब है मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ के ला सकता हूँ। चांद तारों का मैं क्या अचार डालूंगी? तो ठीक है मैं कच्चे आम ले आऊंगा। तुम मेरे लिए कुछ भी करेगा? अरे ऐसे पूछोगी तो मैं तो क्या शेखर भी करेगा। तो तुम मेरे साथ गांव चलेगा? गांव? हाँ, वहाँ पे मल्टीप्लेक्स में किसकी खुशबू आती है? गोबर की। हाँ, और स्विमिंग पूल में औरतें क्या पहन के नहाती है? अरे कुछ पहन के नहीं नहाती है। देखो देखो, तुमको अगर गांव जाना ना तो तुम मेरे गांव चले जाना, मुझे लंदन भेज देना। अरे लंदन, धत बुड़बक, मैं कहाँ से भेजू तुझे लंदन? अरे मैं तो देसी हूँ और देसी लड़का चाहिए था, इसीलिए तो वेश बना के शादी के लिए लड़का ढूंढ रही थी। थोड़ा स्लो स्टार्टर था और यू आर वेरी वेरी गुड एंड तुलिका एज ऑलवेज फ्रॉम दैट मच एंग्लिसाइज गर्ल टू द रियल बुड़बक, यू नो यू डिड इट जस्ट द वे इट वाज सपोज्ड टू बी, वेरी नाइस। आई थिंक ये बहुत एक स्ट्रेट स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश की गई, दिस एक्ट कहीं परफॉर्मेंस ठीक थी कहीं स्क्रिप्ट ठीक था, दोनों का तालमेल हर जगह नहीं बैठा, बट इट वॉज अ गुड एक्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
थैंक यू गाइस, थैंक यू श्वेता, थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जजेस। अब बारी है हमारी आज की गेस्ट जोड़ी की, जिसमें से एक है साउथ से और दूसरा है नॉर्थ से। प्लीज वेलकम स्मिता सिंह एज भोजपुरी आइटम गर्ल एंड श्रीकांत मस्की एज कॉटन करीना। हेलो एवरीबॉडी, आप लोगों ने मेरे को पहचाना होगा, रात को लेट नाइट सूर्या टीवी पे मेरा गाना आता है। अगर आप लोगों ने मेरे चेहरे से नहीं पहचाना तो फिर अब पहचाना। अरे साउथ में सिल्क स्मिता के बाद एक ही तो बहुत जबरदस्त डांसर आई है, कॉटन करीना। वैसे आज मेरे को तो स्पेशली इनवाइट किया है कोई डांस आइटम के लिए, और मैं सुना मेरे साथ कोई जोड़ी बने, मालूम नहीं किसका जोड़ी बने। ओए मदर इंडिया, तुम कोई गलत ही जगह पे आए, यहाँ आइटम डांस नंबर होने वाले। तुम हो कौन, करती क्या हो? मैं डेली सोप करती हूँ। वो तो इसका हालत देख के पता चल रही। मिनी तुलसी। वैसे मैं डेली सोप तो खाली डे में करती हूँ ना। अच्छा, नाइट में तो मैं भी आइटम ही करती हूँ। आइटम मतलब? बाप रे, ये तो करेले के अंदर से गुलाब जामुन निकला। वैसे मेरे को तेरा स्टाइल बहुत अच्छा लगा। स्टाइल तो तुम तब देखो जब धीरे धीरे मोर खुलते जाएंगे। कितने बजे खुलती है? जब हमारी फिल्म रिलीज होएगी तब। अच्छा, तुम फिल्म भी करती हो? और नहीं तो का, हमारे डायरेक्टर साहब हमको 6 बार लॉन्च भी कर चुके। 6 बार? आज तक कोई फिल्म देख नहीं। फिल्म अभी तक बनी नहीं है ना। 6 बार लॉन्च हो गई, फिल्म अभी बना नहीं है। वैसे कितने साल से लॉन्च कर रहे तेरे को? 8 सालों से, और हर बार ना मुझे डाउन पेमेंट भी देते हैं। ये तेरे को लॉन्च करा रहे, होम लोन का स्कीम बता रहे। देखो क्या है, तुम अभी इसमें नए, मैं बहुत एक्सपीरियंस है, आज तक मैंने 15 आइटम नंबर किया है। सिर्फ 15? हमारे 17 आइटम नंबर तो शूट भी हो चुके हैं। 17? एक साथ कितना फिल्म बना रहे? अरे फिल्म तो एक ही बना रहे, लेकिन उसमें 22 आइटम नंबर है। पता है, जब पहला आइटम नंबर शूट हुआ था तब ने ये लंबा गाउन पहना था, पर धीरे धीरे 17 बजे तक आते आते मिनी स्कर्ट पर आए गए हैं। ये तो मिनी स्कर्ट किधर है? थोड़ा 19-20 हो गए, पता है 22वें आइटम नंबर। मैं समझ गई, मैं समझ सकती हूँ तेरा 22वां आइटम नंबर किधर और कैसे शूट होने वाले है। बोले, अगर तुम कहो तो अपने डायरेक्टर साहब से तुम्हारे काम की बात करें। हाँ, मेरे पास काम का कोई कमी नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे काम किए जो आज तक किसी ने नहीं किए। तूने आज तक कभी अपने पेट पे लट्टू घुमाए हैं? ऐसे मस्त इधर गुदगुदी होते हैं। वो जाने दो, वो जाने दो। तुमने कभी बर्फ की सीली पे लेट के डांस किया है? सिल्ली पे? रुक जा, हम किस पे लेटे हैं? सिल्ली गर्ल, मैंने क्या वो गाने पे यारा सिल्ली सिल्ली मेरे हाकी रात। वो डायरेक्टर इतना खुश हो गया, मेरे फिल्म में 3-3 हीरो रखा। हाय राम, 3-3 हीरो काहे? ओके, एक हीरो से मैं उठा ही नहीं जाती। ठीक है, लेकिन बात बात ऐसे ऐसे अपनी खाई का दिखाई रही हो है? मैं अपना मम्मी को बहुत मिस कर रही। मम्मी को? वैसे मम्मी का थाई से का लेना देना है? मेरी मम्मी थाईलैंड में रहती है। ये बताओ तुम कौन से गाने पे नाचने वाली हो? स्कर्ट उठा दे। ए! कबर दे, अरे जो पॉकेट में कुछ उठाने को बोले तो। अरे
बहन तुम समझी नहीं, हमारी जो नई फिल्म आने वाली है उसमें ये होने वाला सुपरहिट गाना है, स्कर्ट उठाई दे रिमोट से। ये भी तो गाने हैं, वर्डिंग में सब कुछ बोल देते, एक्शन के लिए कुछ छोड़ते ही नहीं। गाना तो हमारे तो साउथ में होता है, वर्डिंग सुन के आप बता ही नहीं सकते डांस में क्या होने वाला। वो तो सब ठीक है, लेकिन तुम ऐसे अपने होंठ कहाँ चबा रही हो? अब अकेला हो तो खुद कहीं चबाऊंगी ना। कैसा लगा हमारा झटका? अपने डायरेक्टर को बोल के मेरे को भी काम दिलवाना। ठीक है, बात करते हैं। उसको लट्टू वाला बात बोलना। ओ बारिश का शीली का बोलना। अरे बेल जा रही है। बेल बेल पे भी नाचते, ट्रिंग 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 ट्रिंग। अरे शेखर जी, कभी कभी फोन भी उठा लिया कीजिए ना। अर्चना, कैसा लगा ये नॉर्थ साउथ का संगम? फैंटास्टिक फैंटास्टिक फैंटास्टिक, मस्की राइट, absolutely brilliant. Thank you. आपने जो आज स्टेज पर किया है is something that I have not seen in a long time. Smita, you are brilliant today on this stage. Thank you. मैंने इतना hot, naughty, sexy, comic, brilliant act I have not seen in a long, long, long time. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. ये एक over the top कैरेक्टर था जिसको आपने इतनी सहजता से और इतना संभाल के किया कि वो इतना नपातुला और इतना सटीक और इतना अच्छा लगा कि जो कोई और नहीं कर सकता है। उसका सुर आपने इतना सही पकड़ा कि कहीं पर भी वो वल्गर नहीं लगा, कहीं ऑब्सीन नहीं लगा, और इतने ब्रिलियंस के साथ आपने किया और उतना ही ब्रिलियंटली आपने परफॉर्म किया स्मिता, यू आर उतना ही ब्रिलियंट। Please welcome Rajesh as Akbar और Rajiv as Sunita. कोई भी आंडू पांडू प्रोड्यूसर बन जा रहा है। तो मैंने भी सोचा मैं भी एक चैट शो बनाता हूँ, उसका नाम होगा सच का सामना आपकी कचहरी में, उससे मुझे बचाओ। टैगलाइन होगा आड़ी टेढ़ी बात अकबर के साथ। उसके लिए मैंने मॉक शूट रखा है, तो मैंने एक सुनीता निगम नाम की बारगल को बुलाया है। जी, आई हो मेरी जिंदगी में तुम बिहार बनके। आपको पता है ना आप यहाँ किस लिए आई हैं? मेरे को मालूम है, सब लोग मेरे को अकेले में क्यों बुलाते हैं। नहीं नहीं, देखिए मैं ऐसा नहीं हूँ, आई एम ओल्ड जेंटलमैन। जो ओल्ड हो जाते हैं ना सब जेंटल ही हो जाते हैं अपने आप। लेट्स सिट डाउन एंड लेट्स टॉक। पहले ये बताइए, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टी, कॉफी, स्नैक्स? मेरे को ना लेग पीस पसंद है। लेग पीस? नहीं नहीं, मैं खाती नहीं है, सिर्फ पसंद है मुझे। अच्छा, अब शुरू करें। हाँ, आप इस लाइन में कैसे आई? ऑटो से आई, और कैसे आई। अरे मेरा मतलब है कि आप... मेरा मतलब सुनो पहला। मैं ऑटो से जा रही थी, किसको मिलने जा रही थी वो नहीं पूछने का, समझे ना। ओके। क्या फोन पे मालूम नहीं पड़ता ना किसको मिलने जा रही मैं। तो ऑटो में बैठी, ऑटो वाले जैसे स्टार्ट किया ठप्पा करके, ऐसा म्यूजिक लगाया, क्या मस्त म्यूजिक लगाया ना उसने, सब घुमा रही है। नहीं मतलब उसने म्यूजिक बजाया तो मैं नाच के लिया ऑटो के अंदर। अच्छा, अभी तो मेरा ऑटो ही घूम रहा था। अच्छा, तो ऑटो रुका कि नहीं? रुका ना ऑटो। क्या हुआ फिर? ऑटो का मीटर गिरा 20 रुपया। मैं 10-10 का दो नोट निकाली। मैं किधर से? पर्स से निकाली, समझे ना। सॉरी सॉरी।
मैं 10-10 का दो नोट निकाली ना, मैं आठे वाले की दी, आठे वाला 10-10 का 10 नोट निकाला, मेरे को ऐसा फटफट फटफट करके लुटाए बस। अच्छा, मैं तो लुट गई और ये लाइन में घुस गई। अच्छा ये बताइए, अभी तक से डांस करती है तो आप फिल्म लाइन क्यों नहीं ज्वाइन करती? छी, जब मैं इज्जत से ये लाइन में कमा रही है तो फिल्म लाइन में कैसे जाने का? ये लाइन में काम करो तो पैसा तो मिलता है ना टाइम से। फिल्म लाइन में क्या, उधर जाओ ना लोग परफॉर्मेंस ले लेते हैं, पैसा तो छोड़ो चांस तक नहीं देते हैं। बोलो जी, आप अपने बीते लम्हे के बारे में कुछ बताइए। लम्हे? लम्हे तो मैं एक ही बार देखी थी, अनिल कपूर की ना। नहीं नहीं नहीं, मतलब आपके ऊपर क्या घटा है उसके बारे में जानना चाहते है। जब से ये लाइन में घटा कुछ नहीं है। अच्छा तो शादी का क्या इरादा है? इरादा तो कुछ नहीं, लेकिन बहुत लोगों से वादा है। अच्छा तो होने वाले के बारे में कुछ बताइए। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मैं वो क्या लेट नाइट आती, बेड रेस्ट नहीं करती है, फ्राइड राइस खाती तो पेट फूक गया है, होने वाला कुछ नहीं, समझे? आप अपने जीवन के बारे में कुछ बताइए। जीवन कौन, जीवन तिवारी की जीवन पाटिल? देख पाटिल का नाम नहीं लेने का, मेरा धंधा चौपट करा दे, मेरे को बहुत खुन्नस आता पाटिल के ऊपर। अरे मैं आपके लाइफ के बारे में पूछ रहा हूँ, जिंदगी के बारे में कुछ बताइए। अच्छा लाइफ का क्या, देख मैं सवेरे उठती है दिन में 2 बजे, फिर वो सब करती है जो सब करते हैं, तुम नहीं करते होंगे ना। मैं आपका दिनचर्या नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपका लाइफ, आपकी जिंदगी के बारे में पूछ रहा हूँ। तो एक बार क्लियर करने का क्या पूछने का है? मेरा सब कुछ सुन के लेता, बाद में बोलते ये नहीं पूछ रहा था। मैंने वो फालतू समझे क्या, फोकटगिरी नहीं करने का, मैं लाइन में जूनी नवी नहीं, समझे? लोग घाट घाट का पानी पीते, मैं बार बार का पानी पी लिए। मुंबई में जितना ऑटो नहीं उससे ज्यादा बार में नाची लिए मैं। मेरे बार में बड़ा बड़ा लोग आता है, सारा सेठ दिन में गल्ला कमाता है, शाम को मेरे ऊपर लुटाता है, ऐसा सुबह जाकर के ऑफिस में फिर अगरबत्ती सुलगाता है, ऐसे से कमाता है, फालतू बात करता है। हट, तेरा एक्ट खत्म हो गया, तू जा। मेरा तो परफॉर्मेंस देखे बगैर ये लोग हटेंगे नहीं। बजाओ कैसी लगी सुनीता? लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ नाइस पंचेस, लेकिन मैंने बार गर्ल बहुत बार देखी है, सो आई वांटेड समथिंग अ लिटिल एक्स्ट्रा, समथिंग अ लिटिल न्यूअर, बट द एनर्जी एंड द टाइमिंग वाज वंडरफुल। थैंक यू। देयर वाज लॉट ऑफ एनर्जी एंड देयर वाज लॉट ऑफ ऑनेस्टी इन व्हाट यू वर डूइंग, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज द स्क्रिप्ट डिडंट गिव यू दैट सॉर्ट ऑफ लैटिट्यूड एंड लीवरेज, इसलिए वो उस लेवल पे नहीं आ पाया, बट अदरवाइज इट वॉज अ डिलाइटफुल एक्ट। Judges scores, please. 8. Yeah, yeah, it deserves an 8. Thank you. Thank you, guys. और अब आ गया है वो वक्त जब अर्चना और शेखर डिसाइड करेंगे कि कौन सी है आज की बेस्ट परफॉर्मर जोड़ी, जिसे अर्चना ले जाएंगी अपने घर और शेखर के सहरे से सजेगा जिसका सर। शेखर अर्चना, इससे पहले कि आप लोग बताएं, गाइस प्लीज जॉइन मी ऑन स्टेज। शेखर अर्चना प्लीज बता दीजिए कौन सी है आज की बेस्ट परफॉर्मर जोड़ी। जो विनर्स हैं उन्हें मालूम है, उन लोगों को मालूम है, हम लोगों को मालूम है, ऑडियंस को भी मालूम है। हम चाहेंगे कि जो विनर्स हैं वो खुद से और बहुत ऑनेस्टली यहाँ पर आएं, हम किसी की तरफ नहीं देख रहे और सबकी तरफ देख रहे हैं, वो यहाँ आए और अपना अपना ताज उठाएं हम उनके साथ। धमाल और कमाल लेकर एक नए ट्विस्ट के साथ हम फिर हाजिर होंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।